फ्रेंड्स, आज आपके लिए डेजीज कुकरी में कॉर्न कीमा है। मटन का कीमा हम लोग खाते हैं, लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए भी कीमा होना चाहिए, तो इसलिए आज मैं कॉर्न कीमा का। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बॉइल्ड कॉर्न लिया है जिसे मैंने मिक्सी में क्रश किया, जिसका मैंने कीमा तैयार किया है। और इसके लिए हम दही लेंगे जिसे मैंने व्हिप कर लिया है अच्छे से। यहाँ पर हमारा मसाला है चॉप्ड ग्रीन चिली, चॉप्ड अनियन। दो बाउल मैंने कॉर्न लिया है तो इसके लिए दो अनियन मस्ट है। यहाँ पर धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, ये आप देख रहे हैं। मैंने यहाँ पर गरम मसाला लिया है घर में पिसा हुआ, और ये हमारा कसूरी मेथी है जिसे मैंने तवे पर गर्म करके इसका पाउडर तैयार कर लिया है। और यहाँ पर जीरा साबुत है जो हमारे बनाने में काम आएगा, और ये लाल मिर्च पाउडर है। नमक हल्दी हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, और हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी। मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके पैन को गर्म होने डाला है, और इसमें हम यहाँ पर गर्म कर लिया है। यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले तो जीरा डालेंगे, में अब हम चॉप्ड अनियन जो रखे थे उसे भूनेंगे। इसमें हरी मिर्च डालेंगे, यहाँ पर हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड किया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर, कीमा में जल्दी है। और अब हम यहाँ पर जैसे मैंने दही रखा है जो हमारी मेन चीज है, हल्दी पाउडर, नमक, जिसके बिना सारे स्वाद बेकार हो जाएंगे, वो हमारा मस्त है डालना। नमक अपने स्वाद अनुसार आप डालेंगे। अब हम ये अपना कीमा जो हमने तैयार करके रखा था बॉइल कॉर्न का, इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए सीम आंच पे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ हमारा कीमा तैयार है, मैंने 10 मिनट इसे सीम आंच पर पका दिया। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे जिसे मैंने फ्राई करके पाउडर बना के रखा था, और यहाँ पर गरम मसाला डालेंगे। ये हमारा कॉर्न कीमा तैयार है सर्व करने के लिए। तो कैसा लगा दोस्तों, बताएंगे ज़रूर।